डेली करंट सीरीज एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं और के कंबाइंड करंट अफेयर्स को बिकॉज हमने सैटरडे को डिस्कस नहीं किया था तो यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन है द एनुअल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ द इंडियन ओशियन ड्रिम एसोसिएशन आयोरा वॉज रिसेंटली हेल्ड इन विच सिटी करेक्ट आंसर पर आपका जाना जरूरी है कि आयोरा क्या है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की जो कि हाइब्रिड फॉर्म में ढाका में हुई इंडिया ने भी वर्चुअली पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग में एंड ढाका कम्युनिक वॉज ऑल्सो अडोप्टेड एट द एंड ऑफ द मीटिंग तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ढाका कम्युनिक किस कॉन्फ्रेंस में कहां पर कब अडॉप्ट किया गया तो आप बता सकते हैं एनुअल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग आयोरा की जब हुई ढाका में तो उसी समय ढाका कम्युनिटी को अडॉप्ट किया गया साथ ही साथ बांग्लादेश को चेयरमैनशिप मिल गई है आयोरा की और वेलकम रशियन फेडरेशन एज अ न्यू डायलॉग पार्टनर ऑफ आयोरा सो इंडिया ने दोनों चीजों को देखा कि भाई बांग्लादेश को आयोरा की चेयरमैनशिप मिल गई है एंड ही आल्सो इट आल्सो वेलकम रशियन फेडरेशन एज अ न्यू डायलॉग पार्टनर ऑफ आयोरा एम्बेसडर सलमान अल फारसी हैज बीन सिलेक्टेड एज द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ आयोरा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये फैक्ट याद रखना होगा कि नए सेक्रेटरी जनरल कौन है आयोरा के सलमान अल फारसी राइट right. बेसिक से बात करेंगे हम इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1997 में रिमेम्बर, 1997 में और ये एक रीजनल फोरम है रीजनल फोरम क्यों है क्योंकि इंडियन ओशन के रिम रिम यानी कि किसी भी चीज की बाउंड्री होती है जैसे आपने साइकिल का टायर देखा होगा तो साइकिल का टायर कुछ इस तरीके से होता है तो ये जो बाहर सरकेंस होती है इसे हम रिम कहते हैं राइट तो उसी तरीके से ये जो हमारा इंडियन ओशियन है इसके किनारे पर बसे हुए जितने भी देश हैं वो मैक्सिमम इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के पार्टनर्स हैं या मेंबर स्टेट्स हैं राइट तो ये रीजनल फोरम स्टेब्लिश किया गया था टू बिल्ड एंड एक्सपैंड अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल कॉपोरेशन थ्रू ए कंसेंसस बेस्ड इवोल्यूशनरी एंड नॉन इंक्लूसिव अप्रोच राइट right. तो आयोरा की टोटल मेंबर स्टेट्स हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश कॉमरोस इंडिया इंडोनेशिया ईरान केनिया मिडगास्कर मलेशिया मालदीव मॉरिशस मोजाम्बिक ओमान सेशल्स सिंगापुर सोमालिया साथ ही साथ साउथ अफ्रीका श्रीलंका तंजानिया थाईलैंड, यूएई और यमन भी इसमें शामिल है राइट right? तो ये सारे स्टेट्स uh, सारे नेशंस आपको याद रखने होंगे कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा देश आयोरा में शामिल नहीं है या फिर है राइट तो यू हैव टू रिमेम्बर दीज ऑल स्टेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड न्यूज समटाइम्स इज एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर ये रिलेटेड है टेलीकम्युनिकेशन से तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003 हजार तीन ने स्टैचरी स्टेटस दे दिया है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को स्टैचुरी स्टेटस का मतलब होता है जिस बॉडी को पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया जाए तो इस एक्ट के तहत इसे शामिल कर लिया गया है दैट्स वाई इंडियन टेलीग्राफ एक्ट टू थाउजेंड थ्री हैज गिवन द स्टेचुरी स्टेटस किस को यूएसओ एफ ये है क्या ये एक पूल ऑफ फंड है जिसे जनरेट किया गया बाय लेवी दैट अपॉन ऑल दी टेलीकॉम फंड ऑपरेटर्स ऑन देयर एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू तो टेलीकॉम फंड ऑपरेटर्स के ऊपर जो लेवी किया जाता है चार्ज उससे ये फंड क्रिएट किया जाता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड राइट सो कैबिनेट क्लियर प्रपोजल फॉर मोबाइल सर्विसेज इन 7,287 44 Obligation Fund. तो basically इस फंड का उपयोग किया जाता है कैबिनेट के द्वारा बहुत सारी टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में विलेजेस में राइट अब जो डिस्ट्रिक्ट्स इसमें जो स्टेट्स इसमें शामिल किए गए हैं वो पांच हैं आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड महाराष्ट्र एंड ओडिशा तो ये पांच स्टेट्स आपको याद रखने हैं आई बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन प्रोड्यूसिंग फुटवेयर एंड लेदर गार्मेंट्स इन द वर्ल्ड फुटवेयर और लेदर गार्मेंट्स में इंडिया ने सेकेंड रैंक हासिल किया है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फुटवेयर और लेदर गार्मेंट्स का वर्ल्ड में इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ लेदर फुटवेयर एंड लेदर प्रोडक्ट्स रीज डेट 3.67 बिलियन डॉलर्स ड्यूरिंग 2021, राइट सो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिस्टर पीयूष गोयल एड्रेस देशनल एक्सपोर्ट एक्सेलेंस अवार्ड प्रेजेंटेशन सेरेमोनी ऑफ दी काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपो। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि लेदर फुटवेयर और गारमेंट्स में वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक किस देश की है राइट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है अगला क्वेश्चन हमारा है एज पर द रिसेंट डेटा बाय वर्ल्ड बैंक India was the top country in receiving remittances in 2021. ट्रीसीविंग सबसे पहले तो आपका ये जानना जरूरी है कि रेमिटेंस क्या होता है देखिए अगर आप कहीं दूसरे देश में जाके जॉब करते हैं वहां से अपनी कमाए हुए सैलरी में से पैसे में से कुछ पैसा अपने परिवार के लिए भारत में वापस भेजते हैं तो उसे हम रेमिटेंस बोलते हैं राइट right. तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे कंट्रीज में काम करते हैं लेकिन वो पैसा भारत में भेजते हैं तो ये जो रेमिटेंस है वो उसका जो डेटा आया है तो इंडिया वाज़ द टॉप कंट्री इन रिसीविंग रेमिटेंसेस यानी इंडिया के काफी ज्यादा लोग बाहर काम कर रहे हैं और मैक्सिमम अमाउंट वो यहां पर भेजते हैं तो टोटल रेमिटेंस हमारा है 87 बिलियन यूएस डॉलर का रिमेंबर 87 बिलियन यूएस डॉलर और इंडिया टॉप पर है रेमिटेंस के कैटेगरी में राइट right? तो बेसिकली 2021 की रिपोर्ट है जिसे रिलीज किया जिसका टाइटल है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 35 जिसको रिलीज किया गया वर्ल्ड बैंक एंड नोमेट के द्वारा और नोमेट जो है वो मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड के द्वारा सपोर्टेड है जिसे स्टेब्लिश किया है वर्ल्ड बैंक ने अब अगर आप बात करें कि नोमेड की तो नोमेट का फुल फॉर्म है ग्लोबल नॉलेज पार्टनरशिप ऑन माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ये ग्लोबल हब ऑफ नॉलेज एंड पॉलिसी एक्सपर्टीज एक है ऑन माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट इश्यूज लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिटी द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन फॉर बींगी ऑफ इंडिया आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इंदौर लगातार फिफ्थ टाइम इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में फर्स्ट स्टेट पर आया है राइट right? तो इंदौर सबसे cleanest सिटी है इंडिया की लगातार पांच सालों से यहाँ पर आप लिस्ट में देख सकते हैं पॉपुलेशन अगर वन मिलियन से ज्यादा की बात की जाए तो वन मिलियन एवर पॉपुलेशन में जो रैंकिंग है उसमें इंदौर सबसे फर्स्ट पे है फिर सूरत विजयवाड़ा नवी मुंबई एंड देन पुणे ये टॉप तो फाइव सिटीज है राइट right? अगर हम पॉपुलेशन वन लेख से वन मिलियन के बीच में बात करें तो यहां पर हमारी रैंकिंग आएगी एनडीएमसी न्यू दिल्ली टॉप पर है देन अंबिकापुर छत्तीसगढ़ तिरुपति आंध्र प्रदेश नोएडा यूपी एंड उज्जैन मध्य प्रदेश तो इंदौर के पास में ही है उज्जैन तो अगर हम बात करें हाई पॉपुलेशन की इंदौर टॉप पर है और अगर हम पॉपुलेशन कुछ कम कर दे तो उस कैटेगरी में उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है वो फिफ्थ नंबर पर आता है अगर हम बॉटम ऑफ चार्ट में देखें तो सबसे खतरनाक जो कैटेगरी जो सबसे खतरनाक हम कह सकते हैं स्टेज है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वहां पर कोटा नॉर्थ बहुत ही बेकार हालत है पॉल्यूशन के मामले में राइट right? फिर है मदुरई देन कोयम्बतोर देन एनडीएमसी न्यू दिल्ली एंड देन पटना तो ये रैंकिंग आपको याद रखनी है और ये आपको पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही याद रखना है आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 2021 गोवा in हमने कई बार बात की कि हर साल International Film Festival में ही होता है। इसमें हमें विनर्स बताने हैं इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जो मिला है वो मिला है दो लोगों को जिनके नाम है हेमा मालिनी जी एंड प्रशून जोशी राइट तो वेटरन एक्ट्रेस हेमा मालिनी जी एंड लिरिक्स राइटर प्रसून जोशी है इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ दर अवार्ड फॉर 2021 ट्वेंटी ही काफी अच्छे हम कह सकते हैं कि हेमा मालिनी जी की काफी अच्छी मूवीज हैं काफी अच्छी एक्टिंग रही है और प्रशून जोशी जो है वो काफी अच्छे लिरिक्स राइटर है काफी सारे गाने इनके बहुत पसंद किए जाते हैं लोगों के बीच में तो दोनों को ये अवॉर्ड दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच स्टेट हैजॉप्ड द आई पी एफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 ट्वेंटी रिलीज बाय द इंडियन पुलिस फाउंडेशन आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश पुलिस ने टॉप किया है आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में उन्तीस राज्य और यूनियन टेरिटरीज के बीच में यह रैंकिंग दी गई थी जिसे रिलीज किया जाता है इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया फर्स्ट लेजर इन्फेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव तो महाराष्ट्र में आने वाला है 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था लीगो इंडिया मेगा साइंस प्रपोजल को फॉर रिसर्च ऑन ग्रेविटेशनल बेस लीगो जो है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ग्रेविटेशनल वेव्स पर रिसर्च के लिए जिसका फुल फॉर्म है लेजर इन पैरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी डायरेक्टली आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है लीगो का तो ये जो प्रोजेक्ट फैसिलिटी है ये महाराष्ट्र में आने वाली है रिसेंटली हिंगोली रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज हैंडेड ओवर 225 हेक्टर्स ऑफ लैंड इन द स्टेट फॉर दिस प्रोजेक्ट नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट फिशरीज बिजनेस इनक्यूबेटर जिसका नाम है लिनेक एनसीडीसी फिशरीज इनक्यूबेशन सेंटर इज ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम में इनग्रेट किया जाने वाला है लिनेक एनसीडीसी फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हजबेंड्री डेरिंग पुरुषोत्तम रूपाल इनोग्रेटेड दिस इंडिया फर्स्ट ऑफ इट्स काइम डेडिकेटेड फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर जिसका नाम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं so, इसका बेसिक एम क्या है टू एनकरेज इनिशियेटिव एंटरप्रेन्योर्स और उन्हें सपोर्ट करना फिशरीज सेक्टर में ताकि वो सेल्फ रिलायंस हो सके इंक्यूबेटर की टोटल कॉस्ट होगी 3.23 करोड़ रुपीस। इन टोटल अराउंड थर्टी थाउजेंड इन द फिशरीज सेक्टर विल बी देर टू प्रोसीड दिस प्रोजेक्ट राइट ना द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द थीम ऑफ द कैंपेन अंडरटेकन ड्यूरिंग जो कि वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक में जो कैंपेन चल रहा है उसकी राइट right? तो बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ए एम आर एज वन ऑफ द्लोबल हेल्थ थ्रेट क्योंकि एंटी माइक्रोब -microbe, से होने वाली बीमारियां जो है काफी जल्दी फैल जाती हैं तो ये टॉप टेन ग्लोबल हेल्थ थ्रेड्स में से एक है दिस ईयर ड्यूरिंग द वर्ल्ड एंटी माइक्रोवल अवेयरनेस वीक जो कि 18 नवंबर से 24 नवंबर तक कंटिन्यू रहेगा गोब्लो कैंपेन एम्स टू रेज अवेयरनेस ऑन ए एम आर एंटी माइक्रोवल रेजिस्टेंस ऑकर्स जब माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया है वायरस है फंगल है या पैरासाइट है मेडिसिन को रिस्पोंड नहीं करते हैं और इन्फेक्शंस को और ज्यादा डिफिकल्ट कर देते हैं उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है और एक छोटे से पार्ट से बहुत ज्यादा पार्ट बॉडी का इन्फेक्ट करते चले जाते हैं मेडिसिन को रिस्पॉन्ड ना करने की वजह से तो यही है एंटी माइक्रोवियल थ्रेड राइट right? तो आपको इस चीज पर ध्यान देना होगा अगर किसी की बॉडी में भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हमारे अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि कोई घाव बढ़ता जा रहा है हम उसे इग्नोर कर रहे हैं राइट right? तो इस तरीके की अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है ताकि लोग डेंजर से बच सके नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च द मदर ऑन कैंपस इनिशिएटिव टू इम्प्रूव अकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स द आंसर इज ऑप्शन बी त्रिपुरा त्रिपुरा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है मदर ऑन कैंपस इनिशिएटिव इस इनिशिएटिव के तहत जो मदर्स हैं जो कि बायोलॉजिकली और लीगली ऑथेंटिकेटेड मदर्स हैं वो अपने बच्चों के साथ स्कूल कैंपस में जा सकती है ताकि बच्चे अपने आसपास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी को फील करें और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी और ज्यादा इंप्रूव हो सकती है बिकॉज एवरीबडी नो दैट कि माँ से अच्छा टीचर कोई नहीं हो सकता और ना ही मदर से बेटर अपने बच्चे को कोई समझ सकता है ताकि वो सेफ फील करे फ्री फील करे वो पूरी तरीके से फोकस कर पाए स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पर, पर इन सभी चीजों को ध्यान देते हुए मदर ऑन कैंपस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है त्रिपुरा एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ अ कैंपेन टू अट्रैक्ट ओवर थर्टी थाउजेंड टैलेंट ग्लोबली टू स्टडी वर्क एंड स्टैब्लिश स्टार्टअपर इज फिनलैंड फिनलैंड वही कंट्री है जो कि कई सालों से वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप करती आई है राइट तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप करने के साथ साथ यहाँ पर काफी ब्राइट फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी देखी जाती हैं और फिनलैंड ने रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्यूचर इज मेड इन फिनलैंड इसके तहत थर्टी थाउजेंड स्किल टैलेंट्स को ग्लोबली इंक्लूडिंग फ्रॉम इंडिया ये इन्वाइट करेंगे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे स्टडी के लिए वर्क के लिए और स्टैब्लिश करने के लिए स्टार्टअप राइट right? तो बेसिकली दो हजार तेईस तक ये टोटल चलने वाला है कैंपेन इसमें आप अगर चाहते हैं तो इन्वॉल्व हो सकते हैं अभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कोई अच्छा स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं या कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो फिनलैंड में आपके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन है नेक्स्ट क्वेश्चन

जो भी क्लाइमेट इश्यूज हैं जो भी पॉल्यूशन की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से इश्यूज आ रहे हैं उसके लिए हमें रेन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना है ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आना है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो इको फ्रेंडली हो तो ऐसे अगर आपके पास इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स है तो उसके लिए ग्रीन भारत फंड लॉन्च किया है सिडबी ने और इस फंड से आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी कुछ अदर थीम्स भी हैं जैसे कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड फाइनेंशियल इंक्लूजन एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रमोटिंग कल्चर ऑफ ये जो चैलेंज फंड है ये ये एक फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है स्पेसिफिक पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को ये फंड अलोकेट करेंगे ताकि कंपटीशन भी क्रिएट हो सके कंपटीशन क्रिएट कैसे होगा भाई सरकार जब पैसा देती है तो ऐसे नहीं कि बांट देगी दोनों हाथों से ऐसा नहीं होता है आपका इतना अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए इतना अच्छा इनिशिएटिव होना चाहिए कि गवर्नमेंट उसमें पैसा लगाए राइट तो इससे कंपटीशन क्रिएट होगा लोग अच्छे से अच्छे बेहतर आइडियाज लेकर आएंगे और गवर्नमेंट को भी इसमें मदद मिलेगी ताकि हम बेहतर आइडियाज के साथ डेवलपमेंट पर फोकस कर सके राइट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एज पर द डेटा ऑन ई श्रम पोर्टल व्हिच ऑक्यूपेशन सेक्टर हैज मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इनफॉर्मल वर्कर्स ऑप्शन से सबसे ज्यादा क्या है अन ऑर्गेनाइज वर्कर्स का यहाँ पर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स अपने आपको रजिस्टर कर सकते हैं सरकार को पता चलेगा की कि कौन किस फील्ड में स्किल्ड है टैलेंटेड है तो भाई उस पर्टिकुलर सेक्टर में गवर्नमेंट क्या करेगी उनको अपॉर्चुनिटीज देने की वर्क देने की कोशिश करेगी इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर भी आ सकते हैं माइग्रेंट वर्कर प्लेटफॉर्म वर्कर स्ट्रीट वेंडर डोमेस्टिक वर्कर एग्रीकल्चर वर्कर और दूसरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स आ सकते हैं तो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए एग्रीकल्चर सेक्टर से लगभग फिफ्टी जिसके बाद कंस्ट्रक्शन और डोमेस्टिक एंड हाउस वर्कर्स रहे राइट तो ओवर सेवन पॉइंट एट सिक्स करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं अब तक तो ये आपको डेटा भी थोड़ा सा एक बार याद रखिएगा सेवन पॉइंट एट सिक्स करोड़ राइट नेक्स्ट की की क्वेश्चन की है इन्हें हरा दिया है फाइनल्स में डब्ल्यूटीए फाइनल्स का खिताब इन्होंने जीत लिया है ये किससे रिलेटेड है ये भी पूछा जा सकता है तो टेनिस से एसोसिएटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी राज्य सैनिक बोर्ड्स आर देयर इन इंडिया टोटल 34 राज्य सैनिक बोर्ड हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए बनाए गए हैं 34 राज्य सैनिक बोर्ड हैं और 403 जिला सैनिक बोर्ड हैं हमारी कंट्री में जो अभी कार्यरत हैं। राइट सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस, एंड स्टे कनेक्टेड विथ एजनॉल